हेलो प्यारे बच्चों, लो फिर हम आ गए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर, जिसका नाम है और खर्राटे रुक गए। इस कहानी को आप भी मेरे साथ पढ़ना और आनंद लेना। खर्र, ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर, पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा। कौन भर रहा है इतनी जोर से खर्राटे, गिलहरी ने भी खिड़की से झांकते हुए पूछा। तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। सभी कान बंद करके बैठ गए। मेंढक ने खिड़की के पास फुदकने की कोशिश की। वह भी जानना चाहता था कि कौन सो रहा है अंदर। बंदर बोला, मैं पता कर सकता हूं। वाह, तो जाओ पता करो कौन सो रहा है अंदर, सभी एक साथ बोले। जोर लगाकर हैया, बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगाकर दरवाजे की कुंडी खोली। फचाक, किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटों की आवाज अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें, मोटी किताब, पतली किताब, नई किताब, पुरानी किताब, कैसी कैसी होती हैं किताब, पर यह सब क्यों है सोती किताब। कोई पढ़ नहीं रहा था इन किताबों को, इसलिए ये सो गई और जोर जोर से खर्राटे भरने लगी। मैं भी किताब पढ़ूंगी, गिलहरी ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगा, मेंढक ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगी, तितली ने कहा। जैसे जैसे सब किताबों को पढ़ने लगे, वैसे वैसे किताबें जागने लगी और खर्राटे रुक गए। मुझे यह वाली किताब पढ़ने दो, बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा ली। अरे ये क्या भाई, कहानी तो अब खत्म। कहानी मजेदार थी ना, इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।